शुरुआती दौर में देखिए हम बहुजन समाज पार्टी के कैडर के नेता थे और उस समय राज बहादुर और गाजीपुर से वो कम्युनिस्ट से चुनाव लड़ रहे थे। हम लोग राज बहादुर के साथ थे, बसपा सपा की गठबंधन थी और वह बसपा से राज बहादुर जीते थे जो समाज कल्याण मंत्री हुए थे। फिर उसके बाद जो है साल दो साल के बाद जो है अपना ये बसपा में इनकी एंट्री हो गई मुख्तार अंसारी। और हम लोग जानते थे कि भाई कम्युनिस्ट परिवार है, गरीब की लड़ाई लड़ते हैं लोग, उधर रेवती उती में गरीबों की लड़ाई उड़ाई लड़ते थे लोग, उस समय कम्युनिस्ट के लोग ही ना लड़ाई लड़ते थे दलित और बैकवर्ड। तो हम लोगों ने भी काशीराम साहब से बहन जी से कहा कि ठीक है मुख्तार को ही मऊ से लड़ा दिया जाए। तो काशीराम साहब ने जिनको 1996 शायद था खानवीर में पहली बार आए और उस समय जेल से ये रिहा हुए थे। अब बड़ी फोर्स लगी थी बलिया मोड़ पर और तमाम फाटक उटक पर भीटी उटी। तो हम लोग उस समय साथ ही थे, हम लोग ये नहीं जानते थे कि माफिया है गुंडा है, हम लोग इतना जानते थे कि ये गरीबों की लड़ाई लड़ता है। तो हम लोग एकदम उस समय नौजवान थे, स्टूडेंट लीडर थे, हम लोग उतावले थे साथ में चलने को। ले जाकर घोषी कार्यक्रम करवाया था बैसवाड़े में, नेता बन के आए मुख्तार। हाँ, फिर यहाँ मुस्लिम इंटर कॉलेज में कार्यक्रम करवाया था, हम ही करवाया था। गरीबों का नेता बन के आया। तो हम लोग खुश हुए कि भाई बड़े लोगों का यहाँ बड़ा जुल्म होता है, थोड़ा ये आ जाएगा तो दलित बैकवर्डों की हिफाजत करेगा। विधायक बनने के बाद साल दो साल रवैया इनकी अच्छी चली, बाद में इनको बड़े बड़े लोग सटने लगे, बड़े बड़े लोगों से शोहरत मिलने लगा, पूजी इनको मिलने लगी और बड़े बड़े टेंडर यहाँ इनके टेलीफोन पर टेंडर हुआ करता था। तो भाई टेंडर में अधिकांश बाबुए साहब लोग थे ना, राय साहब लोग थे, भर नुनिया कुहार का ठेकेदार है कि लेता था। अब धीरे धीरे भर नुनिया कुहार चमार इनसे उपेक्षित होने लगा, ऊपर शिकायत भी जाने लगी इनकी और उसके बाद ये हटा भी दिए जाए, मुख्तार अंसारी बसपा से हटा भी दिए जाए। फिर अपना अभी पैतरा बदल दिए, सपा के सहयोग से इनको संरक्षण मिलने लगा, तमाम इनकी माफिया गर्दी फलने फूलने लगी। उसी में विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री रुंगटा जी थे, चंदौली के कोयला व्यवसायी, इनके वो फाइनेंसर थे, हम लोगों ने देखा भी था इनके साथ उनको। अब उसको भी वो भी गायब हो गए। अच्छा, जो इनको फाइनेंस करे थे वो ही गायब हो गए? गायब हो गए। और बड़ा चर्चा चला कि मुख्तार ने उठा लिया, मुख्तार ने उठा लिया। मुख्तार के गनर एक थे, दाढ़ी उड़ी रखे थे, मुसलमान थे। अब जब जांच होच बैठी तो दाढ़ी वाले इनके गनर को पुलिस ने उठा ले गया। अब पुलिस जब उनको ले जाके अपना कस्टडी में लेके दो तमाचा मारी कि भाई उस समय तुम कहाँ थे, तब वो बताए कि भाई हमको वो छोड़ कर चले गए थे। अब कहाँ चले गए, हमको छोड़ दिए तो हम कैसे क्या करेंगे। अब उस केस में मुख्तार अंसारी जांच चली तो फंस गए रुकटा वाले में। जिसने मुख्तार को पैसा दिया उसी को मुख्तार ने निशा दिया। और पता चला कि ये संगम में जो है घाघरा में उसको किसी होटल में रख के सोलो पाइजन देते देते घाघरा में डाल दिए लोग। क्या सच्चाई क्या सुन जो रहे तो वही हम बता रहे हैं। फिर बाद में इनकी बहुत बड़ी जरायम की दुनिया हो गई, हम लोग तो अब उनके करीब नहीं जाते थे। एक बार इसी डाक बंगले में तमाम ठेकेदारों को बड़ी मार इन लोगों ने मारा पकड़ पकड़ के। मुख्तार ने एक हमारे स्टूडेंट लीडर दोस्त थे द्वारिकानाथ गुप्ता, उनको भी मुख्तार अंसारी उठाकर ले गए और तमाचा उमाचा चला दिए थे। तो हम लोग तो उस समय प्रदर्शन और दर्शन किए। तो मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी अच्छे आदमी है, सांसद विधायक थे, आकर अपने मुख्तार को डांटे उठे मुख्तार अंसारी को और आकर हम लोगों से अफजाल अंसारी माफी भी मांगे। द्वारिकानाथ गुप्ता के घर आकर माफी मांगे कि जाने दो द्वारिका भाई जो गलती हो गया। तो
माना जाए कि मुख्तार आए मतलब गरीबों की सेवा करने को माफिया। अरे वकू तो दौलत गिरने लगा, वो दिमाग इनका गरीबों की सेवा में का, फिर तमाम टेंडर बाक्स अपना लूटने लगे, कहीं चंदौली कहीं गोरखपुर तो कहीं भाई, तमाम इनके बड़े ठेकेदार चलने लगे। इसी बीच मुख्तार का आपने कहा कि लोगों ने अभी मेरे को पत्रकार बहुत लोगों ने मांगना माना दंगे में आरोप आए हिंदू मसीह यहाँ से एगो पकौड़ी उकाड़ी खिला दीजिए तो कमजोर आदमी मसीहे न कहीजिए कि दिन भर पकौड़ी ना मिलत, अब ये चाचा पकौड़ी खिला देवे तो वो कहे कि बहुत अच्छा है। मसीहा उठे हमारे देखने में लोग कहीं आए नहीं, मसीहा उठे हम कितने गरीब थे, हम तो खुदे दो साल उसके साथ थे। गंगा में रोल गलत था भाई, गंगा में रोल गलत था, सरकार का संरक्षण इनको था उस समय। अरे वहाँ सलाहबाद गोली चली, उसमें गोली में एक यादव मारा गया था इनके गोली से, और उसमें सरकार बैठकर पंचायत की, अब पंचायत करने के बाद 20 लाख 24 लाख उस यादव परिवार को दिया गया तो सुलहनामा हुआ। नहीं नहीं इनका कारोबार अच्छा नहीं था, बशर्ते हाँ कुल मिला जुला कर जब अदालत ने इनको सजा दे दिया और जेल में सजा काट रहे थे, और एक महीना से यह व्यक्ति चिल्ला रहा है कि जहर दिया जा रहा है जहर दिया जा रहा है, उस पर सरकार को जांच बैठा कर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके का संविधान का हनन नहीं होना चाहिए। आज हम ही सजा पा जाए तो क्या उसमें हमको जहर आप दे देंगे, हम अपना सजा काटेंगे भाई, सजा से मरेंगे। पूरा क्षेत्र जो है 90% गरीबों का है, 10% लोग पैसा वाले हैं, तो जो पैसे वाले हैं उनके चाटुकार हो गए, अब कहीं गए 2,000-5,000 दे दिए, 1,500 दे दिए, सीसी पीने वाले चिल्ला रहे हैं मुख्तार भैया मुख्तार भैया, और वो बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी, दलितों का वोट संख्या ज्यादा उनका मिल गया, मुसलमानों का वोट उनको मिल गया मुसलमान के नाम पर, और 2-4% इधर उधर से शराबियों का वोट मिल गया, 200-400 सहयोग पाने वालों का मिल गया, अब अपना ही जीत जाते थे और क्या। वो अपना सिस्टम बना लिए थे, वो 5 साल चुनाव लड़ते थे, हर बूथ पर वो अपनी कमेटी बना के रखते थे, पार्टी के अपोजिट इनकी निजी कमेटी थी, और इनके हर सेक्टर में तनखैया भैया लोग थे, आज काम करते थे, और प्रधान और धान के जरिए पैसा वैसा देकर बीडी उडीसी के जरिए अपना वोट पोल करवा लेना, चुनाव आयोग में आबू बाबू अधिकारी को मिलाकर कुछ वोट घटवा लेना कुछ वोट बढ़वा लेना, ये बहुत सिस्टम से लड़ते थे इसलिए कामयाब।